नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दो। पहली खबर, 2 जनवरी तक खोले स्कूल वरना चक्का जाम। अभिभावकों से फी और सरकार से मदद की आस देखते देखते अब स्कूल एसोसिएशन आंदोलन को तैयार। जी हां, अभिभावकों से फी और सरकार से मदद की आस देखते देखते अब स्कूल एसोसिएशन आंदोलन का मन बना चुके हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र एवं राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कहा कि अगर 2 जनवरी 2021 से पहले विद्यालय को संचालित करने का आदेश पारित नहीं किया गया तो शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। बता दें कि मीडिया ने पिछले 8 तारीख से लगातार यह मुद्दा उठाया था। बताया था कि प्राइवेट स्कूल कहाँ फंस रहे हैं, सरकार की क्या दिक्कत है और अभिभावकों को क्या समस्याएं हो रही है। लगातार इस पर सीरीज चलाई गई थी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने राज्य सरकार के निजी विद्यालयों के प्रति उदासीन रवैये पर सवालिया निशाना लगाया है। कहा कि केंद्र सरकार के निजी विद्यालय को पुनर्संचालित करने के आदेश उल्लंघन के पीछे राज्य सरकार की आखिर मंशा क्या है, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनलॉक गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, यातायात, सभी दुकानें तथा सभी कार्यालय को पुनर्संचालित कर दिया गया है, लेकिन विद्यालय को पुनर्संचालित करने पर सरकार के द्वारा पाबंदी नहीं हटाई गई है। हार के गुनाहगार को सजा, राजद ने तरैया के पूर्व विधायक सहित 11 को पार्टी से निकाला। 2 दिन में 12 लोगों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। जी हां, राजद ने विधानसभा चुनाव में हार के लिए उन सभी गुनाहगारों को सजा देना शुरू कर दिया है जो पार्टी में रहकर पार्टी के लिए आस्तीन का सांप निकले। 2 दिन पहले राजद ने सिद्दीकी को हराने की साजिश रचने वाले दरभंगा के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं रविवार को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में तरैया के पूर्व विधायक एवं प्रखंड अध्यक्ष को 6 वर्षों के लिए राजद से निष्कासित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ दल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा ने तरैया के पूर्व विधायक एवं प्रखंड अध्यक्ष सहित 11 लोगों को पार्टी से 6 वर्षों तक निष्कासित कर दिया है। बिहार में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट, प्रति 1000 नवजात लड़कों के मुकाबले लड़कियां 26 और कम हो गई है। जी हां, बिहार में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। देश के 22 राज्यों में जनसंख्या स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जारी 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिहार में प्रति 1000 नवजात लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में 26 और कम हो गई है। 2015-16 के 4थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में प्रति 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या 934 थी, जो अब 2019-20 में घटकर 908 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को ये सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। हालांकि इस दौरान राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में 2 अंक की कमी आई है, यह राज्य के लिए खुशी की बात है। 2015-16 में यह दर 36.7% थी, जो 2019-20 में कम होकर 34.5% हो गई है। राज्य में प्रथम चरण में 6 से 7 लाख आएगी कोरोना की वैक्सीन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को संग्रहण, कोल्ड चेन, जरूरतमंदों को देने के बारे में देने और इसके लिए पर्याप्त श्रम शक्ति की व्यवस्था के संबंध में बिहार पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में व्यवस्था की जा रही है। प्रथम चरण में 6 से 7 लाख की संख्या में आने वाली वैक्सीन के लिए बिहार में व्यवस्था पर्याप्त है। दूसरे चरण में जो वैक्सीन आएंगे उसके लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने भारत सरकार से 2 वॉकिंग फ्रिज, 2 वॉकिंग कूलर तथा 900 डीप फ्रिज आयलर की मांग की है। अब
एक ही रजिस्ट्रेशन पर किसानों को मिलेगा कई योजनाओं का लाभ। जी हाँ, कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब राज्य के किसानों को विभिन्न विभागों में अब अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अब कृषि विभाग की साइट पर अगर किसान ने अपना निबंधन करा लिया है तो कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। किसान इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अपनी पंचायत के पैक्स या व्यापार मंडल में सरकार से निर्धारित कीमत पर अपनी उपज भी बेच सकते हैं। धान व गेहूं बेचने के लिए भी किसानों को सहकारिता विभाग की पोर्टल पर अलग से निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तक अपनी उपज को सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने के लिए किसानों को सहकारिता विभाग की पोर्टल पर निबंधन कराना होता था। बिहार में पंचायत चुनाव में डालना है वोट, तो जानिए कब और कैसे जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में। जहां बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर रोस्टर निर्धारित कर दिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विखंडित करने, आपत्ति दावा व प्रकाशन की डेडलाइन तय कर दी गई है। 14 से 28 दिसंबर तक मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन प्रपत्र क में किया जाएगा। डाटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची की सॉफ्ट प्रति की तैयारी 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाश 19 जनवरी को ही की जाएगी, जो 1 फरवरी तक प्रकाशन अवधि रहेगी। नई प्रविष्टियों को अनुमोदन के लिए आयोग को 14 फरवरी तक भेजा जाना है। उसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को कर दिया जाएगा। बिहार में 18 दिसंबर से बढ़ेगा ठंड का कहर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश बढ़ाएगी परेशानी। जी हां, बिहार में 18 दिसंबर से ठंड का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश के भी अनुमान लगाए गए हैं। बिहार के कई हिस्सों में ये बारिश 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस तापमान डेहरी में दर्ज किया गया है और पटना में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 18 दिसंबर से राज्य में ठंड का कहर और भी बढ़ेगा। राशन कार्ड से इन लोगों का कटेगा नाम, सरकार ने लिया फैसला। जी हां, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार जरूरतमंदों को राशन मिले इस बात का विशेष ख्याल रख रही है। इसी के तहत कोरोना काल में भी राशन कार्ड को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए गए। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार राशन कार्ड को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अगर आप 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है। जिलों से सूचना मिलते ही राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डगमगा रही है नीतीश सरकार, जीतन राम मांझी ने नीतीश को दी चेतावनी, मेरा बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। जी हां, संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझेदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने कल कहा कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगार को रोजगार देने की योजना शुरू थे लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया है। दरअसल मांझी ने कल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि कुछ दिन और सीएम रहते तो बिहार की सूरत बदल देते। साथ ही मांझी बोले कि हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला, ठेकेदारों में आरक्षण 75 लाख तक निश्चित देते और अफसोस की सरकार ने 25 से 50 लाख किया पर अभी भी संचिका में ही है। यदि 75 लाख का आरक्षण दिया जाता तो युवा युक्तियां अपने परिवार के लिए ठेकेदारी के माध्यम से काम करते। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगार के लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हम पार्टी को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेगी। मांझी ने कहा कि वे खुद भी सड़क पर उतरने को तैयार है।
बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 500 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,43,248 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,741 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 177 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर 5 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,317 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर 575 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बड़ी खबर, आज सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान, सभी जिला हेडक्वार्टर पर देंगे धरना। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का रविवार को 18वां दिन और सोमवार को 19वां दिन है। आंदोलन के बीच दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने एक बैठक की है। इसके बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि सोमवार को सभी किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन से अवांछित तत्वों को दूर रखने के लिए भी निगरानी की जाएगी। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी किसान यूनियन एक साथ है। भाकपा माले का किसान संघर्ष यात्रा 15 से 28 दिसंबर तक 19 को राजभवन मार्च। जी हां, भाकपा माले ने किसानों कार को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। राज्य सचिव कुणाल ने रविवार को कहा कि सरकार किसानों के चल रहे आंदोलन के समस्या को हल करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार का मकसद भारतीय व विदेशी कॉरपोरेट को बढ़ावा देना और देश की खेती किसानों को बर्बाद करना है। इसके लिए किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को राजभवन मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले 15 से 28 दिसंबर तक राज्य में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत किसान संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर तीनों काले कृषि कानून व प्रस्तावित बिजली बिल 2020 के सच्चाई से किसानों को वाकिफ करवाया जाएगा। दिल्ली से पटना के बीच बनेगा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, बाय रोड 11 घंटे में सफर होगा पूरा। जहां केंद्र सरकार का डीएम प्रोजेक्ट दिल्ली से पटना सड़क के रास्ते सिर्फ 11 घंटे में सफर तय करना। इसके लिए ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ गाजीपुर बक्सर एक्सप्रेसवे, बक्सर आरा 4 लेन, बिहाटा खगोल एलिवेटेड रोड, इन सभी परियोजना को जोड़ना। इनमें से ज्यादातर हिस्से का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बक्सर से पटना 4 लेन निर्माण कार्य अगर तेजी से होता है तो यह ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। हाल ही में कोयलवर में नए पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी इसकी चर्चा की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी यह मांग थी कि लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे को बक्सर आरा पटना 4 लेन से जोड़ दिया जाए। आपके बैंक खाते में इस बार नहीं आएगा पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त, जानिए क्या है कारण। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे 2 करोड़ से अधिक किसानों को झटका लग सकता है, क्योंकि पीएम किसान पोर्टल पर 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि 7वीं किस्त का 2,000 रुपया 15 दिसंबर से किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है सरकार फर्जी किसानों भी अपनी नकेल कस रही है, इस से लिस्ट में भी ऐसे किसानों को हटाया गया है। इस समय पीएम किसान पोर्टल में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 9,97,00,000 के आसपास रह गई है, जबकि कुछ दिन पहले तक यह 11,37,00,000 थी। हालांकि आज पोर्टल ने यह गलती सुधार लिया और अब लाभार्थियों की संख्या 11,39,00,000 कर दिया गया है। बता दें कि कई राज्यों में फर्जी किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे किसानों से रिकवरी करना शुरू कर दिया था। योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या किस दर किस घटती जा रही है। पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक पहली किस्त 10,52,00,000 किसानों को मिली थी, दूसरी किस्त 9,97,00,000, तीसरी किस्त 9,05,00,000, चौथी किस्त 7,83,00,000 और पांचवी किस्त 6,58,00,000 किसानों तक पहुंची, जबकि छठी किस्त पाने वाले किसानों की संख्या केवल 3,84,00,000 ही रह गई है। ऐसे में 7वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या इससे कम रह सकती है।
और अंत की बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वोटर कार्ड का होगा डिजिटलीकरण, आधार कार्ड की तरह होगा डाउनलोड। जी हां, चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में समझे तो आने वाले समय में वोटर आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मौजूदा फिजिकल कार्ड भी वोटर के पास रहेगा। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए केवाईसी कराने के बाद ही यह सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टेड फोटो आईडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। आज की सवाल, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।